आजादी के बाद भारत के पांच सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट। नंबर वन, 6 जून 1981, बिहार में मानसी से सहरसा की ओर जाने वाली 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें लगभग 800 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोगों की लाशें भी बरामद नहीं हुई थी। नंबर टू, 20 अगस्त 1995, रात के 2:46 हो रहे थे, दिल्ली की ओर जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजाबाद से निकली ही थी, तभी ट्रेन के लोको पायलट ने एक नीलगाय को देखा। इससे पहले वो ट्रेन रोक पाते, ट्रेन नीलगाय से जाकर टकरा गई, जिससे ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए थे और ट्रेन वहीं खड़ी हो गई। उधर उसी दूसरे ट्रैक से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस नाम की ट्रेन फिरोजाबाद से निकली ही थी। ट्रेन के ड्राइवर को बताया गया था कि आगे का ट्रैक क्लियर है, लेकिन उन्हें ट्रेन खड़ी दिखी। ट्रेन ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक का ऑप्शन था, लेकिन वो जानते थे कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। कुछ ही सेकंड बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे जा घुसी, जिसमें लगभग 305 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर थ्री, 26 नवंबर 1998, सियालदह एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गोल्डन टेम्पल मेल के 3 डिब्बों से जाकर टकरा गई थी, जिसमें लगभग 212 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर फोर, 2 अगस्त 1999, ब्रह्मपुत्र मेल गैसल स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी, जिसमें 285 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग घायल थे। नंबर फाइव, 2 जून 2023, शाम को 7 बजे यशवंतपुर से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हुई। यह ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराई। इसके बाद इस ट्रेन की कई बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं और मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें लगभग 288 लोगों की मौत हो गई और लगभग 900 लोग घायल हैं।